नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य के वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं त्रिभुवन कुमार और आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। तो वह है विश्व व्यापार संगठन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मूल रूप से WTO प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता होता था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से इसे जाना जाता था। गैट की जो स्थापना है 1948 में की गई और 1948 में 23 संस्थापक सदस्य थे और 23 संस्थापक सदस्यों में भारत भी उसमें से एक सदस्य रहा था। गैट के 8वें सम्मेलन के फलस्वरूप 1995 में WTO अस्तित्व में आया और वो जो दौर था, 8वां जो सम्मेलन हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था, इसलिए इसे उरुग्वे दौर के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले गैट जो है केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, जबकि उरुग्वे दौर की वार्ता के लिए अगर हम समझौते पर देखें या समझौते को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो उस समझौते में आगे चल के हमने देखा कि विश्व व्यापार संगठन में सेवा के व्यापार यानी सर्विस जो ट्रेड है उसको भी लाया गया। इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इसमें स्थान दिया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इसमें स्थान दिया गया। और आगे हम देखते हैं कि ये सभी चीज़ें जो कि केवल व्यापार तक सीमित थी गैट में, अब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसमें सर्विस ट्रेड को भी जोड़ दिया गया। अब इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में है और वर्तमान में इसमें भारत समेत 164 देश हैं और जो नवीनतम देश है वो अफ़गानिस्तान इसका सदस्य बना। अफ़गानिस्तान जो इसका सदस्य बना वो 2016 में इसका सदस्य बना था। और इसके बाद इसके जो उद्देश्य हैं विश्व व्यापार संगठन के वो इस प्रकार हैं कि ये विश्व में एक मुफ्त और अधिक पारदर्शी और अत्यधिक व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के लिए ये काम करता है और ये ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित एक संगठन है जो जिस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। इसमें इसके कार्यों पर अगर चर्चा करें तो ये व्यापार ट्रेड और टैरिफ से संबंधित जो भी मसले हैं तो उन जो सदस्यों के बीच के मसले हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करवाता है, एक मंच जो है ये प्रदान करता है जिस पर आकर सभी जो देश हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, वो अपने आपसी विवादों को सुलझा सकते हैं, ट्रेड एंड टैरिफ से संबंधित नियमों को बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उसके एनफोर्समेंट को लेकर ये सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उस पर कार्य करता है। इसके अलावा अन्य जो व्यापार नीतियाँ हैं उसकी समीक्षा ये करता है प्रतिवर्ष और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस को लेकर ये अपने जो सुझाव प्रस्तुत करता है सदस्य देशों के सामने और सदस्य देश इसको लेकर बैठकों में चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो कुछ विवाद यदि हो जाए देशों के बीच में व्यापार को लेकर, टैरिफ को लेकर, टैक्स को लेकर, सब्सिडीज़ को लेकर, उन सब को लेकर ये एक मंच प्रदान करता है और उनके उसके लिए कुछ प्रावधान और नियमों को बनाने की कोशिश करता है ताकि ये जो विवाद हैं वो दूर हो सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में, यानी कि वे जो ग्लोबल फिनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उनको बनाने में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक को एक सहयोगी के रूप में अपना योगदान देता है, उनको सहयोग करता है कि किस तरीके से वैश्विक आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जा सके। उसके अलावा विश्व के जो संसाधन हैं उनका एक अनुकूलतम रूप से किस प्रकार से प्रयोग किया जाए उसके लिए भी ये अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो WTO के मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर अनिवार्य होते हैं, हर 2 वर्ष पर जो है इसको किया जाता है, इस सम्मेलन को किया जाता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया जाता है। जो भी सदस्य देश हैं उन सदस्यों के मंत्रियों का सम्मेलन होता है, जो मुख्य सब व्यापार मंत्री होते हैं उनका सम्मेलन ये होता है। अभी तक जो है WTO के स्थापित होने से अब तक जो है 11 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है और जो अंतिम सम्मेलन कह सकते हैं, इससे पहले का जो एक सम्मेलन था जो 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो 2017 में आयोजित किया गया था।
उसके बाद अगर हम देखें तो जो पहला WTO का सम्मेलन था, WTO जब स्थापित हुआ था उसमें जो पहला सम्मेलन था वो सिंगापुर में 1996 में आयोजित किया गया था। तो WTO की जो अगली मंत्री स्तरीय बैठक है वो 2020 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बैठक का जो आयोजन जो है 2021 में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में करने का प्रस्ताव कजाकिस्तान ने स्वयं रखा। और इस प्रकार का जो ये आयोजन है या ये WTO की इस प्रकार की जो बैठक है मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ये पहली बार हो रहा है। और कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में होने का ये प्रस्ताव दोबारा से रखा है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो अस्ताना है वो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम जो है मार्च 2019 तक था, ठीक है। मार्च 2019 में इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया अस्ताना का। तो अभी जो कजाकिस्तान की राजधानी है उसका नाम क्या है? नूर सुल्तान राजधानी है। विश्व व्यापार संगठन का एजेंडा मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना रहता है और जो सदस्य देश हैं उनके बीच विवाद का कारण भी बना रहता है। जैसे अगर हम देखें तो जो भी समझौते विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच में हुए उनको विश्व व्यापार संगठन का एजेंडा कहा जाता है। और इस समझौते में विकसित देशों की तरफ से ये वचन दिया गया, ये वादा किया गया कि वे कृषि में दी जाने वाली जो सब्सिडी हैं, जो अपने देशों में कृषि में जो सब्सिडी देते हैं उस पर बहुत बड़े पैमाने पर कमी करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो विकासशील देश हैं वो अपने कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों में या विकसित देशों में बेच सकें। अब इसी बात को लेकर भारत सरकार ने भी ये काफ़ी प्रचारित किया था कि भारत के जो कृषि उपज है वो विदेशों में बेचकर भारत के किसान भारी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन देश में देखा जाए या पिछले 2 दशकों में जब से WTO का सृजन हुआ तब से 2 दशकों से अधिक का समय बीत गया है, उसमें अनुभव ये किया जा रहा है कि भारत के किसानों को विश्व व्यापार संगठन से कोई अधिक लाभ नहीं हुआ। और उल्टा देखा जाए तो जो विकसित देश हैं वो अपनी सब्सिडी को घटाने के बजाय और 4 गुना बढ़ा चुके हैं अपने कृषि क्षेत्र में, जो कि एक विवाद का बहुत बड़ा पैमाना बना हुआ है। और अक्सर जब भी विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन होता है तो इस विषय पर हमेशा विकासशील और विकसित देशों के बीच में बहस छिड़ती है। तो यहाँ तक हमने WTO को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम एक और वैश्विक संस्था संगठन को पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।